हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, अनअकेडमी स्टूडियो एनग्रेव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंचुरेशन। मेंचुरेशन के अभी तक मैं तीन पार्ट आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। पहला अपना इंट्रो था, उसके बाद तीन पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और आज की क्लास में अपना पार्ट नंबर होगा 4। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं मेरे बारे में बताता हूँ और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 23 सितंबर से मेरा एक स्पेशल मैथ्स का बैच शुरू हो चुका है जो इवनिंग में है 6 to 7:30 तक। ये 1.5 आवर का बैच है जिसकी 5 क्लास हो चुकी हैं और ये स्टार्ट हो चुका है। कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहे मुझे अनअकेडमी प्लस पर, तो आप लोग लाइव पढ़ने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। डेली मैं आप लोगों के लिए आता हूँ आधे घंटे, 6 से 6:30 डेली इस पर आपको पढ़ाने आता हूँ। ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ये मेरे बारे में है, आप लोग देख लेना। ये सिर्फ अनअकैडमी स्टूडियो एनग्रेव के बारे में है और एक नीचे फीडबैक फॉर्म आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग ज़रूर भरना कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो फीडबैक फॉर्म आप लोगों को 100% भरना है जितने भी लोग इसको देख रहे हैं। एक आप लोग ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे इस पर मैं अपलोड कर देता हूँ पढ़ाने के बाद। क्योंकि ये आप लोग देख रहे हो थोड़ा सा ये जो बोर्ड है स्मार्ट बोर्ड है, तो यहीं से डायरेक्ट मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डाउनलोड करो लिंक, ये क्लिक द ज्वाइन, ये आप लोग खुद ही कर सकते हो। मुझसे तो आप लोग अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे लिए ज्वाइन करता है तो मुझसे मैथ्स तो पढ़ ही सकते हो आप लोग। बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। उसी चार्ज में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी, टेस्ट सीरीज सारे उसी में आप लोग कर सकते हैं। काफ़ी सारी फैकल्टी पढ़ाती हैं, जिससे चाहो उससे आप लोग अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर फ़ायदा ये है कि आप लोग किसी भी अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और डाउट सेशन आप लोग पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, रियल टाइम आप लोग पूछ सकते हैं, आस्क डाउट क्लास, और ये डाउनलोड वीडियो, वॉच ऑफलाइन, ये सारी की सारी अगर आप लोग आते हो उस पर तो आप लोग इस पर पढ़ सकते हो। किसी भी टीचर से कुछ पूछ सकते हो आप लोग, चलती क्लास में जैसे चल रहा है कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसमें ऐसा हो जाए, तो ये चीज़ें आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं। अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो आप लोग सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए। इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो और उसके बाद जो भी आप लोगों को चूज़ करना है जो गोल, जैसे अगर मैं एसएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाता हूँ तो एसएससी अगर चूज़ करना है तो एसएससी के लिए तैयारी करो, एसएससी चूज़ करो अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो। और उसके बाद आप लोग कोई सा भी 12, 10+2 CPO CGL किसी की भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो एक बार अच्छे से तैयारी करने के बाद। इसका थोड़ा सा चार्ज है, 1 ईयर का जो चार्ज है इसका, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सब कुछ, मुझसे तो मैथ्स पढ़ ही सकते हो, उसके साथ इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब कुछ फ्री है। उसके लिए आप लोग ध्यान रखना फ़ी है 4-5 हज़ार रुपये आपकी फ़ी है। और एक नाम याद रखोगे अगर पवन आप लोग रेफरल कोड में, तो जैसे आप लोग पवन नाम लिखोगे अपने आप फ़ीस कम होगी, 4,500 हो जाएगी। अप्लाई करते ही 4,500 हो जाएगी। ये 2 ईयर्स के लिए भी है, ध्यान रखना। ये मेरे कोर्स के बारे में है, ये कंप्लीट कोर्स के बारे में जो अभी स्टार्ट हुआ है, वो आप लोग आने से पहले अगर कोई ज्वाइन ही करेगा तो आप लोग देख सकते हो। बाकी ध्यान रखना है 2 ईयर्स और 1 ईयर्स दोनों के लिए, 1 मंथ 3 मंथ सभी के लिए है, लेकिन ज़्यादा सही है 12 मंथ्स के लिए रहता है। 2 ईयर वाला भी तो 2 साल तैयारी थोड़ी ना करोगे आप, 2 ईयर्स वाला भी ज़्यादा सही नहीं रहता, सबसे सही है 1 ईयर वाला ही है जिसमें आप लोगों को आराम से 2 या 3 बार मैथ्स हो जाएगी। और ये 2 ईयर्स वाला उन लोगों के लिए होता है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 2 साल पढ़ना चाहते हैं और कम फीस में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये है। तो ये चार्ज है 5,000 1 ईयर का, जैसे अप्लाई करोगे 4,500, 2 ईयर्स के लिए 8,000, लेकिन जैसे एक नाम याद रखोगे पवन और अप्लाई करोगे तो 7,200, ठीक है। ये चीज़ें थी, अब हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आइए पढ़ते हैं हम लोग। ये एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ट्रायंगल में अपने पास या अपने पास सर्किल है, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंचुरेशन। और मेंचुरेशन के मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सबसे पहला पॉइंट एक स्क्वायर के बारे में, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ मेंचुरेशन में स्क्वायर के बारे में मैं आपको सिखा चुका हूँ। आज की क्लास में हम लोग सर्किल और ट्रायंगल दोनों ही हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले हम लोग सर्किल पढ़ लेते हैं और उसके बाद टाइम अगर बचेगा तो हम लोग ट्रायंगल पढ़ लेंगे। सर्किल आप लोगों को पता होगा कि एक किसी भी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट है उससे सर्टेन डिस्टेंस पर, निश्चित दूरी पर
पॉइंट्स का जो एक पथ होता है, मैं शुरुआत में ऐसा मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा, सारे छोटे छोटे पॉइंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉइंट्स का जो एक पथ होता है, जो एक लोकस होता है, बिंदु पथ जो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सर्किल। ये जो बीच वाला है ये सर्किल का सेंटर है, ये वाला जो है वो सर्किल का सेंटर है, और ये वाली जो है ये सर्किल की सरकमफ्रेंस है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, रेडियस या त्रिज्या। सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी अगर कभी भी सेंटर से पास हो, सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी अगर सेंटर से पास हो तो उसका नाम होता है कंप्लीट, को बोलते हैं डायमीटर या व्यास। सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी जो सेंटर से पास अगर नहीं हो तो उसको बोलेंगे कोण या जीवा। इसका मतलब व्यास जो होता है वो एक सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होगी, डायमीटर एक सर्कल की सबसे बड़ी कोण होगी। ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें, यहां से चलना शुरू किया वापस अगर यहीं पर आप लोग आ जाते हो ऐसे चलते हुए तो इसको तो बोलते हैं सर्कमफ्रेंस या परिधि, लेकिन सर्कमफ्रेंस या परिधि का एक छोटा सा भाग अगर हुआ कभी भी, सर्कमफ्रेंस या परिधि का छोटा सा भाग अगर हुआ यहां से लेकर यहां तक ऐसे ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम लोग आर क्या चाप। सर्कमफ्रेंस या परिधि का छोटा सा एक भाग जो होता है उसको हम लोग आर क्या चाप बोलते हैं, और क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग अगर ऐसे हो ये वाला, क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग जो है इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। त्रिज्या द्वारा बनाए तो त्रिज्या खंड। और ये अपने पास सर अगर ऐसे भाग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट, इसका नाम होता है सेगमेंट। ये नाम तो कम से कम पता होने ही चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब मैं बताऊंगा कि सेगमेंट जीवाखंड, आपको नाम ही नहीं पता होगा तो क्या समझ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआत में मैं एकदम ऐसा मानकर चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आ रहा है, एकदम आसान आसान चीज़ें भी पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखना सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, और इसकी सर्कमफ्रेंस या परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, और इसका जो अपने पास सर्कमफ्रेंस या परिधि का फॉर्मूला अपने पास होगा 2πr, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर यही सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त अगर है, कोई भी अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल अगर है, सेमी सर्कल अगर है, अर्धवृत्त के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, सर्कल का जो एरिया होता है उससे आधा हो जाता है। और इसकी सर्कमफ्रेंस या परिधि का जो फॉर्मूला होगा, वो चीज़ ध्यान रखना, इसकी सर्कमफ्रेंस या परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। ये अपने पास इसका टोटल का जो एरिया होता है वो तो पाई आर स्क्वायर प्लस बाई 2, ये अपने पास हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, और सर्कमफ्रेंस या परिधि जो होगी वो होता है अपने पास पाई आर प्लस 2r, ये अपना आंसर होगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, इसके बारे में डिटेल से मैं आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट समझाता हूँ। ये तो नॉर्मल पॉइंट थे, कुछ लोग सिर्फ इतना ही याद करते हैं और उसके बाद लगता है कि उनका तो सब कुछ ही क्लियर हो गया, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को पढ़ने हैं डिटेल में, आप लोगों को चीज़ें सीखनी है, आइए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ इसके बाद। तो यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा हो, देखो ये तीन अगर एक ही टाइप का सर्किल हो, या तीन डिफरेंट टाइप के भी सर्किल हो सकते हैं, और हमें बीच में या तो बाहर से या अपने पास बीच में एक और सर्किल रख दिया जाए, इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल भी हम लोगों से पूछ सकता है, ये वाला जो है बीच वाले भाग का एरिया भी हम लोगों से पूछ सकता है, और ये बीच वाला जो भाग है इसके यहाँ पर एक सर्किल अगर पुट कर दिया जाए ये भी हम लोगों से पूछ सकता है। CDS में तो ये काफ़ी बार आ चुका है, अगर रेडियस R है तो, और बीच वाले भाग का अगर सर्किल बना दिया जाए तो इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसकी रेडियस R है, ये जो यहाँ से है इसकी रेडियस मान लो R है, तो छोटे छोटे चीज़ें जो होंगी वो मैं इधर बोर्ड पर लिखते जाऊँगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, किसी भी सर्किल में कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो उसके परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है साइड अपॉन 2r, साइड अपॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड अपॉन रूट 3,
अंदर वाले वृत्त का फॉर्मूला जो होगा साइड अपॉन टू रूट थ्री, और बाहर वाले सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन रूट थ्री जब बाहर की तरफ सर्किल हो। तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यहां से इसके बाहर से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये वाला। ये एक नया सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये चीजें हैं बहुत आसान, ये जो पॉइंट्स हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और नए पॉइंट भी उसके बाद कर पाओगे, अगर आप लोगों के पॉइंट ये क्लियर हैं तो नया क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो भी आप लोग कर पाओगे, लेकिन इनको बेसिक से अगर सीखा है तो अगर इनको आपने रट लिया तो नया क्वेश्चन आते ही तो आप लोग वहां पर घबरा जाओगे, ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहां से यहां तक ये वाला जो है, ये वाला जो पॉइंट है यहां से, मुझे सबसे पहले ये बताइए इस ग्रीन वाले की जो रेडियस होगी, इसको आप लोग ग्रीन से भी बना सकते हैं, ग्रीन से बाहर से बनाए तो इसकी रेडियन भी ग्रीन ही बना लेते हैं। ये रेडियस जो होगी वो कितनी होगी, रेडियस का फॉर्मूला मैं अभी भी बता चुका हूँ, साइड अपॉन रूट थ्री, और साइड का मान कितना है यहाँ पर, साइड है टू आर अपॉन रूट थ्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो होगी अपने पास वो होगी टू आर अपॉन रूट थ्री, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस अगर पूछे, ये इसकी रेडियस अगर पूछे, इसका मतलब बाहर वाली ये ग्रीन वाली माइनस करनी पड़ेगी जो ब्लू में है, ये जो ब्लू में है ये हम लोगों को माइनस करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एक बात आप लोग याद रखना, ये आप लोग माइनस कर दीजिए और ये आर है। तो मुझे बताइए टोटल यहाँ से यहाँ तक, इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक अपने पास टोटल था टू आर अपॉन रूट थ्री, और इसमें से ये आर अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या, तो ये हो गया आर बराबर टू आर अपॉन रूट थ्री माइनस आर, ये अपना आंसर है। तो टू आर ये बीच में जो सर्किल बनाया इसकी रेडियस अपने पास ऐसे होगी। अगला क्वेश्चन अपने पास कैसे आ सकता है फिर से समझने की कोशिश करना आप लोग, तीन सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है और आया हुआ भी है। तीन सर्किल जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसके बाहर से कोई भी बड़ा सर्किल अगर रख दिया जाए, इनके बाहर से कोई भी अगर बड़ा सर्किल रख दिया जाए, ऐसे, तो इसकी रेडियस आप लोग बताइए। यह एक बड़े सर्किल के बाहर से आप लोग छोटा सर्किल भी अंदर, तीन छोटे सर्किल भी रख सकते हो, तीन भी रख सकते हो, चार भी रख सकते हो, वो सारा मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो छोटे वाले की रेडियस हम लोगों को दे देगा, इनकी रेडियस अगर आर है, इनकी रेडियस जो है वो अगर आर है, देन बड़े वाले की रेडियस आप लोग बताइए। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एक बात आप लोग याद रखना, ये एक तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि बाहर से सर्किल रख दिया जाए और एक बाहर से कोई भी बेल्ट या रस्सी ऐसे रिबन बांध दिया जाए, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगर बाहर से रस्सी बेल्ट या रिबन अगर आप लोग बांधते हो तो फिर वो वाला क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे बनता है, ध्यान रखना। ये तो फ्लैट चलेगा, फिर ये सर्कमफ्रेंस पर जाएगा, ये यहां से यहां तक फ्लैट चलेगा और फिर सर्कमफ्रेंस पर ऐसे जाएगा, ऐसे, ध्यान रखना। सर्किल अगर रख दिया जाए तो सर्किल ऐसे बाहर से ऐसे जाता है, लेकिन इसमें रस्सी बांध दी जाए तो वो ऐसे होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझाऊंगा, अगर ऊपर से बेल्ट बांध दिया जाए उसकी लेंथ क्या होगी, तो ये थोड़ी देर बाद अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ और फिर उनको हम लोग शुरुआत कर लेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसके बाहर से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके बाहर से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो रेडियस फाइंड आउट करते हैं इसकी। तो इसकी रेडियस अगर फाइंड आउट करोगे आप लोग तो इसमें इसका जो मान होगा, रेडियस का मान वो होगा टू आर अपॉन रूट थ्री। ध्यान रखना यहाँ पर जो कैपिटल आर है ना, वो कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, पिछले में भी कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक, कैपिटल आर इनकी रेडियस मत मान लेना, कैपिटल आर का मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बना है ये वाला, इसकी अपने पास परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर, अपना आंसर ये जो रेड वाले का आंसर, अपना आंसर फाइनल ये होगा, ये हमें याद करना है या ये हमें सीखना है। अब की बार ऐसे ही कैपिटल आर अपने पास टू आर अपॉन रूट थ्री होगा, और इसमें अगर ये वाली रेडियस यहां से यहां तक ब्लू जो है ये अगर ऐड कर दें तो क्या अपने पास रेड वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी क्या, तो रेड वाले सर्कल की जो रेडियस अपने पास आएगी वो आ जाएगी अपने पास कितनी, टू आर
अपॉन रूट थ्री प्लस आर, ये अपने पास रेड वाले सर्कल की रेडियस है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगला जो अपने पास है ये चार भी हो सकते हैं, ऐसे चार ये हैं जिनके इक्वल रेडियस अगर है और यहां से अगर एक सर्किल ऐसा रख दिया जाए, ये एक सर्किल रख दिया जाए, देन आप लोगों को इसकी रेडियस बतानी है। तो अंदर वाला सर्किल रख दिया जाए तो आप घबराना मत, यहां से एक स्क्वायर बनेगा आपकी बार। सबसे पहले यहां से एक स्क्वायर बन जाएगा, और क्या अपने पास आर आर और आर अगर है तो क्या आप लोग उस स्क्वायर का डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हो? उस स्क्वायर का डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा, किसी भी स्क्वायर, स्क्वायर में आप लोगों को पढ़ाकर आ गया हूं, चीज़ें मैं पहले आप लोगों को पढ़ा कर आ गया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ें आप लोगों को याद होंगी, उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर रेडियस का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट टू इंटू साइड। और मुझे आप लोग खुद बताइए रेडियस साइड कितनी होगी स्क्वायर की साइड, टू आर। तो डायगोनल जो आ गया वो आ गया अपने पास कितना, रूट टू को गुना कर देंगे टू आर से, तो डायगोनल आ गया टू रूट टू आर। और मुझे आप लोग ये बताइए आधा डायगोनल अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आधा डायगोनल अगर निकालना चाहे हम लोग, ये डिस्टेंस निकालिए आधा डायगोनल, तो डायगोनल का हाफ जो होगा डी बाई टू बराबर ये होगा रूट टू आर। और मुझे बताइए इस रूट टू आर में से क्या हम लोग ये रेडियस इधर वाले, क्योंकि रेडियस आर है, ये तो आर ही होनी है, अगर हम लोग आर माइनस कर दें तो क्या अपने पास ग्रीन वाले पार्ट की रेडियस आ जाएगी क्या? सिर्फ ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है टोटल, ये डिस्टेंस है, इसमें से रेड वाले पार्ट की रेडियस माइनस कर दें तो रूट टू आर में से अगर आप लोग आर माइनस कर दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा रूट टू माइनस वन इंटू आर, ये अपना आंसर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर बनाया, क्योंकि चार सर्किल हैं तो स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर का यहाँ से यहाँ तक डायगोनल का फॉर्मूला था रूट टू इंटू साइड, साइड की जगह टू आर रखोगे तो ये आ गया। इसको आधा कर दोगे, डिवाइड करोगे इधर दो से डिवाइड टू, इधर दो से डिवाइड करोगे तो ये बचा। अब इसमें से अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच गई, इसमें से अगर हम लोग स्मॉल आर माइनस कर लें तो अपना आंसर आ जाएगा। अगला फिर समझाता हूँ, अगर कभी भी चार ऐसे हों, चार सर्किल अगर कभी भी हों इनके बाहर से अगर हम लोग एक सर्किल बना दें, तो ये चीजें देखो एक बार समझने के बाद इसमें आपका पक्का अब दिमाग चल रहा होगा, इस पॉइंट में अब आप लोगों का दिमाग चल रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले डायगोनल निकालेंगे इसका और उसको आधा करेंगे। अभी भी करके आए, डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास कितना होगा, आर और आर अगर आ जाए तो ये यहां से यहां तक की दूरी रूट टू आर होगी, रूट टू आर, क्योंकि डायगोनल होता है टू रूट टू आर। हम बीच में आधा करेंगे, डायगोनल का फॉर्मूला टू इंटू साइड, साइड यहाँ पर अपने पास है रूट टू इंटू साइड, साइड यहाँ टू आर है, और इसको आधा कर लिया, दो से भाग दे दिया तो रूट टू आर, और इसमें आगे अगर आर हम लोग ऐड कर दें तो ग्रीन वाले की रेडियस अपने पास आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ग्रीन वाले की जो रेडियस अपने पास होगी वो कितनी आ जाएगी, रूट आर, टू आर में आर आप लोग ऐड कर दो, आर कॉमन आ जाएगा तो अंदर हो जाएगा रूट टू प्लस वन इंटू आर, ग्रीन वाले की रेडियस अपने पास ये आ गई। हाँ ना, बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आज की क्लास में मैंने ये समझा रहा हूँ कि अगर अपने पास इक्वल रेडियस के सर्किल अगर हों, तीन हों चार हों, तो उनके बीच में सर्किल रख दिया जाए, ये वाला जैसे ये रखा जाए तो रेडियस क्या होगी, बाहर से तीन के सर्किल रख दिया जाए या अपने पास तीन के अंदर सर्किल रख दिया जाए, रेड वाले की रेडियस हम लोगों से पूछिए, ये रेड वाले की रेडियस पूछिए, तो तीन के बाहर से रख सकता है, तीन के अंदर बीच में रख सकता है, ऐसे ही चार के बीच में अंदर रख सकता है या चार के बाहर रख सकता है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले ऐसे एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जो आप लोगों को आना चाहिए, और एसएससी और सीडीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा अपने पास क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, अगर दो सर्किल हैं, अगर अपने पास दो इक्वल रेडियस के सर्किल हैं और अब की बार इसके बाहर से एक रस्सी बांध दी जाए,
ऐसे, इसके बाहर से एक रस्सी बांध दी गई। इन पहले वालों की रेडियस मान लो आर है, इनकी जो रेडियस है वो अपने पास है आर, तो परपेंडिकुलर डाल दो, टेंजेंट रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होगा 90 डिग्री। तो एक चीज ध्यान रखना, ये आर है, ये आर है, तो इधर ये भी 2R हुआ और इधर वाला ये भी 2R हुआ, ये अपने पास 2R और 2R, तो एक सर्किल जितने भाग को टच करता है, ये वाला जो है अपने पास जितने भाग को टच करता है वो तो हमेशा होगा 2R के बराबर। जितने भाग को टच करता है 2R और 2R, तो जितने भाग को टच नहीं कर रहा वो तो 4R के बराबर, और जितने भाग को टच करता है वो हमेशा एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, 2πR के बराबर होगा। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि जब भी अपने पास कोई भी सर्किल, अगर दो ही सर्किल हैं तो आधे भाग को, जितना भाग टच नहीं कर रहा, ये ब्लू वाला, ये रस्सी मान लो ब्लू में है, तो जितने भाग को टच नहीं कर रहा तो वो 2R, तो यहाँ से यहाँ तक ये आएगा इधर और इधर, तो 2R तो अपने पास ये आ जाएगा, और 2R और 2R 4R, और जितने भाग को आधे सर्किल को तो ये टच करेगा और आधे सर्किल को ये टच करेगा, तो एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस के बराबर बन जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, आधा क्यों होगा, क्योंकि अपने पास रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, ये भी 2R है, ये भी 2R है, ये भी R है, ये भी R है, तो रेक्टेंगल बन गया, तो ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो बाहर वाला कोण होता है 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री अगर हो तो ये आधा सर्किल होता है, इसीलिए अपना आंसर होगा। मैं फिर समझाता हूँ एक पॉइंट आप लोगों को, वापस कोशिश करता हूँ समझाने की। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी एक दो ही हो, ऐसा भी हो सकता है तीन सर्किल हो, तीन सर्किल के बाहर से कोई भी रस्सी अगर बांध दी जाए ऐसे, तो कुछ भाग को तो टच करेगी वो, और कुछ भाग को टच नहीं करेगी। तो ध्यान रखना, जितने भाग को टच नहीं करेगी R, R, R और R, तो जितने भाग को टच नहीं कर रही वो 2R के बराबर होगा, जितने भाग को टच नहीं कर रही वो 2R के बराबर, जितने भाग को टच नहीं कर रही सही बनाओगे तो 2R के बराबर, क्योंकि R और R मिलकर 2R, तो 2R 2R अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो जितने भाग को टच नहीं कर रही वो तो है अपने पास 6R के बराबर, और रस्सी जितने भाग को टच करती है वो हमेशा एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे रेडियस वो कहेगा 7 है, रेडियस अगर 7 है और एक तीन सर्किल हैं जिनकी रेडियस 7 दी हुई है और बाहर से एक रस्सी बांध दी जाए, तो ध्यान रखना यहाँ पर अपने पास उस रस्सी की लंबाई, अगर रेडियस 7 है, रेडियस अगर 7 है, तो उस रस्सी की जो लंबाई होगी वो रस्सी की लंबाई अपने पास कितनी होगी, 7 अगर है तो 7 × 6 = 42, जितने भाग को टच नहीं कर रही, और जितने भाग को टच करती है वो हमेशा एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा 7, तो 42 + 44 को ऐड कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 6 और 8 = 86 अपना आंसर होगा। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जितने भाग को टच नहीं कर रहा तीन सर्किल हैं, अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो तीन सर्किल हैं, तो 3 × 2R यानी कि टोटल सबसे पहले 6R + 2πR प्लस तो होता ही होता है, 4 सर्किल हो तो 8R + 2πR तो ऐड होगा ही होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है, तीन सर्किल क्यों, एक सर्किल क्यों आया, यहाँ पर एक सर्किल कंप्लीट कैसे बन गया, 1/3 ये है, 1/3 ये है और 1/3 ये है, ऐसे बन गया, ये चीज़ ध्यान रखना। या आप लोग सीखना चाहो तो ये कोण तो हो जाते हैं 90-90 जैसा अभी भी बताया था, और ये कोण है 60 डिग्री, तो ये वाला कोण बचेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री पर, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री पर ये 1/3 सर्किल होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जैसे अपने पास चार सर्किल आ जाएं ऐसे, अपने पास चार सर्किल आ गए और इसके बाहर से अगर कोई भी हम लोग रस्सी बांध देते हैं ये ऐसे, तो अब की बार ध्यान रखना 1/4 को टच करेगी एक सर्किल के 1/4 को, सिर्फ 1/4 को टच करेगी, तो अपना चार है तो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, चार का डबल करो 8, तो 8R + 2πR ये अपना आंसर है, 8R + 2πR, कैसे, यहाँ से एक स्क्वायर बन जाएगा,
यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ऐसे नीचे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी 90, तो 90 90 तो चौथा भी 90 होना है, और जब 90 डिग्री होगा तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 1/4 होगी। 90 डिग्री अगर होगा तो सरकमफ्रेंस जो होगी 90 डिग्री पर जो सरकमफ्रेंस होगी वो सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 1/4। तो सर्कल चार हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, 8r प्लस 2πr, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं जिससे अपना आंसर आ जाता है। तीन है तो 6r प्लस ही हो जाएगा, पाँच है तो पाँच, छः है तो छः, सात, ये अपने पास चार तक अपने पास ये क्वेश्चन आ सकता है, तीन का, दो का, चार का, ऐसे क्वेश्चन ये आ सकता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है ना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में, अगले लेसन में पढ़ेंगे। इसको आप लोग इस चैनल को, क्योंकि डेली मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए आप लोगों को मिल जाए। ये मैं बनाता रहता हूँ तो सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई आप लोग करते रहना।